मथुरा की गोवर्धन तहसील इलाके में जहां एक ओर सरकार द्वारा कुंडों का संरक्षण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ कुंड ऐसे हैं जो अपनी बदहाली पर रोते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से एक कुंड है माधुरी कुंड। यह कुंड अपने आप में एक कीर्तिमान कुंड हुआ करता था, जिसके नाम से इस गाँव का नाम माधुरी कुंड पड़ा और इसी कुंड से एक मूर्ति की स्थापना हुई जो कि माधुरी देवी की है। माधुरी देवी राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक थी, जिसका लेख पुराणों में भी लेखनी है, लेकिन आज वही कुंड अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस गांव में ब्रज 84 कोस से आने वाली यात्रा इस कुंड में स्नान करने के लिए आया करती थी, मगर आज वही यात्रा कोई सुविधा न होने की वजह से गांव में अपना रुख भी नहीं करती, जिसके कारण ग्रामीणों में एक अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये प्राचीन गांव से भी पहला कुंड तालाब है और जो इसका बहुत बड़ा महत्व है, राधा रानी का मंदिर है, मंदिर है यहाँ पर प्राचीन, और जो है बहुत पूज्य तालाब है पहले से ही, ये पक्का था पहले ये, और जो है कब्जा कर लिया इस पे, काफी जो है इधर उधर घिरा हुआ है दबंग लोगों ने। अच्छा, तो क्या शिकायत आपने किसी कई बार जिलाधिकारी महोदय से की, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस कुंड का जो लेख है क्या पुराणों में भी दिया हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल दिया हुआ है, शास्त्रों में दिया हुआ है लिखित है। ये ब्रज का 84 कोस में भी आता है।